हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड कसका है मंडली। दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है, लाइक जो मेरा फ्रेंड है जो हमेशा मुझे रिकॉर्डिंग एंड वीडियो और ये सब बनाने में मदद करता है, आदित्य। तो आदित्य की एक न्यू बाइक आई है जिसका है RS 200, नाम बजाज की RS 200 उसने ली है। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि 2019 में जबकि 200cc में इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ है, फिर भी RS 200 क्यों लिया गया। एनीवेज जो भी है, जैसा भी है, चलो नीचे जाते हैं, पहले तो उसकी गाड़ी देखते हैं और फिर बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भावा, कॉन्ग्रेचुलेशन। रेड सही है, वाह अच्छा। चल बैठ। आई होप सो कि एंगल बराबर ही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा झुकना पड़ता है मुझे। बजाज पल्सर RS 200 फॉर सिटी राइड, फॉर संडे राइड्स एंड फॉर टूरिंग। अभी फिलहाल आदित्य तो कॉलेज में है, सो ऑब्वियसली यार कॉलेज के बच्चों को ये फेयरिंग और ये सब थोड़ा सा कैसा अट्रैक्टिव लगता है। मैं एक्चुअली उसको एक्सपल्स बता रहा था कि गो फॉर एक्सपल्स अगर हमारे जैसे एडवेंचर करना है तो। बट अगर देखा जाए तो अगले 2 से 3 साल तो वो तो अपनी स्टडी करने वाला है, तो अगर किसी को स्टडी करना है तो लाइक उसके लिए एक्सपल्स जैसी गाड़ी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो जो गाड़ी है वो एडवेंचर के लिए, प्योर एडवेंचर के लिए है। नो डाउट कि अपने जो रोड है वो रियल एडवेंचर्स ही है, बट स्टिल। सो RS 200 200cc में 6th गियर में लिक्विड कूलिंग के साथ, रेडिएटर के साथ एंड विद सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। सिंगल चैनल ABS है, वो एक ही बात मुझे इसकी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी कि यार लगभग आपको देना है 1.80 लाख ऑन रोड बजाज को एंड स्टिल आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलेगा, तो ये थोड़ी जो एक बात है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। डबल चैनल ABS दे देना चाहिए था। लाइक जब भी मैंने 3 साल पहले मेरा बजाज डोमिनार लिया था, वो लगभग मैंने 178 में लिया था, जो कि अभी फ़िलहाल ये गाड़ी का प्राइस है। तो तभी मुझे ड्यूल चैनल ABS और ये सब कुछ चीज़ें मिल गई थी विद LED लाइट्स एंड ऑल। तो इसमें बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, बट एटलीस्ट लाइक पीछे के जो व्हील है उसमें अगर ABS दे देते दे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहता। बाकी ये जो कॉकपिट है काफ़ी अच्छे से फिनिश्ड लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे पैनल गैप दिखाई नहीं दे रहे। यस, यहाँ पे एक छोटा सा पैनल गैप है, नेवरदलेस जो आपके मिरर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ये जो मिरर्स है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे RC के ऊपर भी इसी तरह के मिरर्स थे कि जो फेयरिंग से बाहर जाता है, तो उसमें जो पीछे का व्यू दिखता है ना, दैट इज़ अल्टीमेट। लाइक कोई भी इधर का जो मिरर रहता है हैंडल माउंटेड, वो इतने अच्छे से बड़ा व्यू नहीं दिखा पाता है रियर व्यू में। एंड इसका जो इंजन है, वाओ लाइक क्या स्मूथ है। एंड सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया, थोड़े से सॉफ्टर साइड है। मे बी लाइक जब भी हम कॉर्नर में जाएंगे ये गाड़ी को लेके, तो वो टाइम आई थिंक कि जो इसके सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप है वो ज़्यादा कॉर्नरिंग के लीन एंगल जो रहते हैं वो आपको अचीव करने नहीं देंगे। बट अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी फ़िलहाल इसको कॉर्नर्स पे किधर लेके नहीं जा रहा हूँ, बस अपने एरिया में घुमा रहा हूँ, क्योंकि नई गाड़ी आई है तो यू नो थोड़ा सा अभी ब्रेकिंग पीरियड भी है, संभाल के चलाना है, आराम से चलाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड। प्रोजेक्टर लाइट्स है, सो एक्स्ट्रा लाइट की मुझे तो लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोजेक्टर लाइट्स आर मोर देन इनफ, मतलब छोटी सी नाइट राइड के लिए। राइडिंग ट्रायंगल भी काफ़ी अच्छा, लाइक आपको ज़्यादा नहीं झुकना है, नो डाउट झुकना तो है बट ज़्यादा नहीं झुकना है। एंड स्पेशली ऐसे ब्रोकन रोड में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़्यादा दुखेगी नहीं। जिसके पास RC 390 रहेगी उसको पता है कि हार्ड सस्पेंशन क्या रहता है, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है। ब्रेकिंग पावर भी लाइक बाइट तो अच्छा है, मुझे लगता है फ्रंट में बाइबर का कैलिपर है। भी ये रहा स्पीड ब्रेकर, गुड गुड सस्पेंशन सेटअप।
मीन्स जिसको टूरिंग करनी है इन बजट एंड जिसको फेयरिंग चाहिए, मतलब मेरे गाड़ी के ऊपर फेयरिंग होनी ही चाहिए, ऐसी जो लोग थिंकिंग रखते हैं और उनको टूरिंग भी करना है, सो दिस बाइक इज़ गो टू बाइक फॉर देम। सस्पेंशन अच्छा है, पावर भी लाइक ऑब्वियसली यार सिक्स गियर है, मुझे पता है। इसमें मैंने बहुत सारे RS 200 वालों को देखा है कि लाइक गाड़ी को 150 प्लस खींचते हैं, सो पावर की कोई भी कमी नहीं। अनइवन फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से जब भी हम लोग हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड पासेस में जाएंगे, तो भी ज़्यादा कुछ जो पावर लॉस है वो आपको मिलेगा नहीं। ये थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, पता नहीं हाईवे पे जाके समझ में आएगा, बट अभी फ़िलहाल तो मुझे छोटा लग रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है। ये काम करेगा भी कि नहीं हाईवे के ऊपर पता नहीं। जिस तरह से आप इसके ऊपर झुक के बैठते हो ना, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि जो विंड ब्लास्ट है वो इतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अभी डोमिनार या फिर जो भी लाइक स्ट्रेट सीट वाली बाइक रहती है जिसमें आप एकदम स्ट्रेट बैठते हो, तो उसमें आपको ज़्यादातर विंड ब्लास्ट जो है वो चेस्ट के ऊपर और हेड के ऊपर आता है, बट ये बाइक में वो इशू नहीं आएगा। मुझे लगता है लगभग मैं चल चुका हूँ 5 से 10 किलोमीटर एंड दैट टू इन दिस बैड रोड विथ ट्रैफिक, और कोई भी हीट जो है वो अभी तक मुझे मेरे पैरों पे लगी नहीं है, कोई फील नहीं हुआ है, सो दैट इज़ अनदर वन प्लस पॉइंट। यही प्रॉब्लम होता है आपके पास ऐसे बड़े बड़े मिरर्स होने का, आपको गाड़ी को संभाल के चलाना है, क्योंकि अपने इंडिया में फ़िलहाल ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। ये देखो, वाह यार क्या मस्त सोकअप करता है सस्पेंशन, स्पेशली फ्रंट वन। जो साउंड है वो भी काफ़ी बढ़िया, लाइक ऐसे लगता नहीं है कि 200 सीसी वाला इंजन है, थोड़ा सा बड़ा लगता है, ऐसे एक बेस है इसमें। बहुत बढ़िया गाड़ी। ओह शिट, कल भी बारिश हुई है यहाँ पे। आहा, ABS प्रॉपरली वर्क किया, दैट्स ग्रेट। बट रियर पे कोई भी यह स्लिप करता है, स्लीप मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ लिटर। ए नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं डालूँगा, पूरा गाड़ी को धोना पड़ेगा। इसका एग्जॉस्ट देख लेते एक बार, एक्चुअली मैंने RS अभी तक कभी रिव्यू भी नहीं किया है। बढ़िया, और ये अभी यहाँ पे फैन चालू हो गया जी। नहीं, कोई भी गर्म हवा यहाँ से आती है, दिस पैनल या यहाँ पे भी यहाँ से नहीं, सो ये दोनों पैनल्स में से जो रेडिएटर है वो हवा फेंकेगा। सिंगल चैनल ABS, ये सस्पेंशन मुझे काफ़ी पसंद आया। रियर का इतना कुछ खास नहीं है, देन यप RS का डिज़ाइन। सो यू नो बेस्ट पार्ट क्या है अबाउट दिस बाइक, कि काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, लाइक टूरिंग के लेके जाने के लिए भी एक नंबर बाइक है। फेयरिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है, जो लाइट्स है वो भी ग्रेट, टायर्स बड़े MRF के और दिखने में काफ़ी सही लगती है, एक नंबर लगती है। सो अगर कोई लाइक आदित्य की तरह है कि जिसको फेयर बाइक चाहिए, कॉलेज में जाना है एंड कभी कभार हमारे जैसे लंबा भी आना है, तो दिस इज़ द बेस्ट बाइक आई गेस, क्योंकि हाईवे पे 120-130 आराम से कर लेगी क्रूज़, एंड ऊपर से एवरेज भी अच्छा देगा, 35-40 के बीच में इसका एवरेज है। बस कुछ छोटे मोटे पैनल गैप्स है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए बजाज ने। ये देखो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पैनल गैप, पर अभी ठीक है, बजाज के साथ पैनल गैप्स तो आने ही है। चलो एनीवेज, कांग्रेचुलेशन भाई फिर से एक बार, चलो अभी घर पे जाते भागते। चलो गाइस, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।